नयन मोगिया सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। नयन सर, हाउस द जोश, क्योंकि बहुत मायूस हो गए थे हमारे आपके चेहरे जब पाकिस्तान के खिलाफ हार हुई थी, आप खुद मायूस थे मेरे साथ यहां पर हम थे, अब जब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो आज आपका जोश कैसा है? बड़ा सीधा सवाल है सर। देखिए, पहले दो मैच छोड़ा जाए, उसके बाद भारतीय का जोश काफी हद तक बहुत ही अच्छा था, और जिस परिस्थिति में भारत की टीम है फिलहाल, देखिए एक क्रिकेट एक अनिश्चित का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अगर आज अफगानिस्तान जीती है तो सबसे बड़ा उलटफेर रहेगा। भारत पाकिस्तान का एक मैच था, वो उलटफेर रहा, उसके बाद ये आज दूसरा मैच है जो दुनिया चाहेगी कि उलटफेर रहे, अफगानिस्तान जीते न्यूजीलैंड हारे। पर जैसे शिवेंद्र ने कहा कि 70 मैं बोलू 80% न्यूजीलैंड के फेवर में, 20% अफगानिस्तान के फेवर में, जिस तरह की न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेलती आ रही है, जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है भारत के खिलाफ, बाकी टीमों के खिलाफ बहुत बेहतरीन क्लिनिकल, और ICC टूर्नामेंट में खास करके माने जाते हैं कि वो अपना जो प्रदर्शन है एक स्तर और ऊपर लेके जाते हैं। पर देखना होगा आज किस तरह की उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है, क्योंकि वो भी दबाव में रहेंगे, उनको मालूम है कि अगर यहाँ हार गए तो हमें क्वालिफाई होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप ही बता रहे थे तो मैं जरा देख रहा था सोशल मीडिया, राशिद खान को लेकर इतने मीम्स बन रहे हैं नयन। एक तरफ कहा जा रहा है ओ पालन हारे अब तेरो में हमारा कोई नहीं, एक तरफ कहा जा रहा है द सेवियर, मीम्स की बाढ़ आई हुई है। और ये तो चलिए ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट, वाकई हम सब राशिद खान से बात बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की ताकत ही है स्पिन अटैक। जाहिर है न्यूजीलैंड पर इसी के जरिए आक्रमण होगा, अबू धाबी की पिच पर यह स्पिन अटैक कितना कारगर साबित होगा, आइए आप जरा ये जानते हैं। मोहम्मद नबी, शरफुद्दीन अशरफ, मुजीबुर रहमान और सबसे धाकड़ राशिद खान। अफगानिस्तान की टीम में ये चार फिरकी गेंदबाज हैं, जिसमें मुजीब और राशिद तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में भारत की सारी उम्मीदें अफगानिस्तान के स्पिनर्स पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इनका जादू चल गया तो कीवी टीम का धराशायी होना तय है। 25 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में राशिद और मुजीब ने मिलकर 9 विकेट झटके थे। पाकिस्तान के बल्लेबाज भी मुजीब और राशिद के 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना सके थे, जबकि इन दोनों ने पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी, जिसमें रिजवान और बाबर भी शामिल थे। यानी अगर मुजीब की फिटनेस सही रही और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले तो उनके और राशिद के 8 ओवर मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। पठानलैंड के इन दोनों रिस्ट स्पिनर्स में अपने दम पर मैच का रुख मोड़ने की कुव्वत है। नबी और अशरफ के रूप में फिंगर स्पिनर भी हैं, जो कभी भी उलटफेर कर सकते हैं। केन विलियमसन को छोड़कर न्यूजीलैंड की टीम में ऐसा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है जो स्पिन बॉलिंग को बहुत कॉन्फिडेंट होकर खेलता हो, इसलिए आज अफगानिस्तान के पास मौका है।